पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के गृह विधानसभा क्षेत्र से सालों से स्थापित प्रदेश पावर कॉरपोरेशन कार्यालय को अब सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में शिफ्ट किए जाने की तैयारी है, जिस पर राजनीति गर्मा गई है। सुजानपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने दो टूक शब्दों में इस मामले पर बयान दिया है कि पहले से ही बीजेपी सरकार पर कार्यालय को शिफ्ट करने की बात कही है। साथ ही सुजानपुर से धूमल के हारने की खुन्नस निकालने पर बीजेपी अब लगी हुई है। सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो झूठ ही कार्यालयों को शिफ्ट करने के आरोप लगाए जाते थे, लेकिन अब बीजेपी सरकार में शिफ्ट हो रहे हैं। कार्यालय को शिफ्ट नहीं होने दिया जाएगा और गांव-गांव जाकर इसका विरोध दर्ज करवाया जाएगा। मैंने पहले भी इसका विरोध किया है और मैं इस पे कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें आई और भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते रहे कि हमीरपुर से दफ्तर शिफ्ट हो रहे हैं, आज तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सुजानपुर से दफ्तर जो है मंडी में शिफ्ट किया जा रहा है। या मुझे लगता है या तो सुजानपुर के लोगों के प्रति जो है हार की खुन्नस निकाली जा रही है, या फिर ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के हमीरपुर के लोग अपनी भूमिका निभाने में सक्षम नहीं है, ऐसा लगता है। और हम जोरदार इसका विरोध करेंगे और इसका जो विरोध है गांव-गांव में लोगों तक पहुंचाएंगे कि ऐसा भेदभाव जो किया जा रहा है। वहीं राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि सुजानपुर में बीजेपी के उम्मीदवार के हारने के बाद खुन्नस निकालने के लिए बीजेपी कर्मचारियों के तबादले को करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि जिनका अनुबंध पूरा नहीं हो रहा है उनका भी तबादला कर दिया जा रहा है, लेकिन इसका खामियाजा बीजेपी को लोकसभा चुनावों में जनता जवाब देगी। सुजानपुर में चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसकी खुन्नस निकालने के लिए कई डेवलपमेंट के काम रुकवाए, कुछ तो शुरू हमने करवाए हैं, प्रेशर दे के करवाए हैं, और कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को ट्रांसफर किया गया, और जो उन लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा है जो सबसे पंक्ति में सबसे पीछे लाइन में खड़े हैं, बेलदार हैं, हेल्पर हैं, और आईपीएच में तो ताश के पत्ते की तरह फेंटा गया, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में हैं दो दो साल पूरे नहीं हुए उनको भी बदला जा रहा है, एक एक नहीं एक डेढ़ डेढ़ महीने में दो दो ट्रांसफर की जा रही है। तो ये जो भेदभाव की और बदले की और खुन्नस की जो राजनीति कर रहे हैं, 2019 आने वाला है, लोग कह रहे हैं कि इसका हिसाब 2019 में किया जाएगा।